अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन अदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और कुछ हेल्थी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी सुबह के 9 बज रहे थे और मैं किचन में आई थी और मैंने थोड़ी सी विंडो के शेड्स ओपन कर दिए थे ताकि थोड़ी सनलाइट अंदर आ जाए। बस के बाद मैं बेसमेंट में आ गई थी और मैंने आके थोड़ी ट्रेडमिल यूज़ की थी। अपनी रूटीन को मैंने चेंज किया है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले ट्रेडमिल यूज़ करती हूँ, अपनी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। पहले ये काम मैं दिन में किसी भी टाइम कर लेती जब भी मुझे टाइम मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर बाकी जो मेरे डे के काम होते हैं वो करती हूँ। क्योंकि फिर इसके साथ होता है कि डे में इतने ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है और अपनी जो हेल्थ है ना उसको देखने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि अपनी हेल्थ को भी बेहतर करना है। हर एक घंटा डेढ़ घंटे तक मैं ये ट्रेडमिल करती हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लेती हूँ कभी कभार। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और आके मैंने ग्लास में पानी लिया है और उसको मैं माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, ज़्यादा गर्म नहीं, लाइक बहुत लाइट सा वार्म उसको कर लूँगी। उसके बाद उस पर मैंने हाफ टी स्पून हनी का ऐड किया है और उसके साथ थोड़े फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसमें लेमन के ऐड कर दिए। और ये ड्रिंक मैं डेली एम्प्टी स्टमक ज़रूर लेती हूँ कि या तो एक्सरसाइज करने से पहले लेती हूँ या एक्सरसाइज करने के बाद। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये आपकी बॉडी से फ्लश आउट करती है टॉक्सिन्स को और आपको सीवियर इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो आप भी इस चीज़ को अपनी हैबिट बना लें कि डेली जब आपने सुबह उठना है तो ये ड्रिंक आपने लास्ट में पीना है। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी तो भी आप ये ड्रिंक ज़रूर लें, ये बहुत आपको हेल्प देगी। आप इसको लेने के बाद अपनी बॉडी में बहुत चेंजिंग्स देखेंगे। यार ये टाइम एक ऐसा होता है कि जिसमें मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठी होती हूँ, अभी कोई काम नहीं मुझे करना, बच्चे सो रहे थे तो मैंने अच्छा सा वेदर को इन्जॉय किया, बहुत प्लेजेंट सा बाय वेदर है। खैर अभी 11 बज गए हैं और अभी मैं क्लासेट आई थी अपने अपने कपड़े चेंज करने के लिए, तो ये मैंने अपना न्यू ड्रेस निकाला है, इसको बस अभी पहन लूँगी। और अभी आसमान भी उठ गए थे, राहत भी उठ गया था और जितने में मैं अपने कपड़े चेंज कर रही थी अपना फेस वगैरह वॉश किया उतने में दुआ भी उठ गई थी। तो बस मैं अब दुआ को भी साथ नीचे ले जाऊँगी और अक्सर होता है दुआ सोई रहती है, एक घंटा ज़्यादा सो जाती है, कभी जल्दी उठ जाती है। अगर राहत शोर नहीं कर रहा तो वो फिर ज़्यादा देर तक सोई रहती है, अगर राहत ने शोर किया तो वो डेफिनेटली उसके साथ उठ जाती है। तो उसको भी मैं साथ नीचे ले जाऊँगी। और अभी मैं किचन में आई थी और उस्मान के लिए सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने ना दो एग बॉयल किए थे, उनके बहुत मज़े के सैंडविचेस मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। और मैं ये कहीं से मैंने रेसिपी नहीं देखी हुई, मैंने खुद से ये ट्राई किए थे और मैंने एक बार उस्मान को पहले बना के दिए थे, उस्मान को इतने अच्छे लगे तो अब मुझे वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे ये वाले सैंडविचेस बना के दे। तो बहुत लाइट वेट है और इतने मज़े के बनते हैं, इसमें आपको कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती, कोई स्पाइसेस वगैरह कुछ ऐड नहीं करना पड़ता। मैंने सिर्फ ये किया था कि एग्स को मैंने बॉयल कर लिया था और बंस थे मेरे पास, ये होल व्हीट बंस मैंने रखे होते हैं, तो ये बहुत सॉफ्ट से हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं। एग मैंने यहाँ पे सारे पीले कर दिए थे और बंस को मैंने ना थोड़ा सा बटर्स लगा के ना उस पर तवे पे थोड़ा सा गर्म कर लिया था और एग्स को हमने इस तरीके से बस कट कर लेना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हालापीनो क्रीम चीज़, ये बंस के ऊपर मैं लगा दूँगी, बस इनकी लेयर्स लगानी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्रीम चीज़ अवेलेबल है जिसमें गार्लिक में भी है मिल जाती है, ऑनियन केब में भी मिलती है, लेकिन अगर आप हैलोपिनो यूज़ करेंगे इसके साथ टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सी क्लियर लगाने के बाद इसमें बॉयल एग हम रख देंगे और इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, बस यही लगाना। और ये मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस यहाँ पर रेडी हो गए हैं। ये कोल्ड सैंडविचेस भी तरह आप इसको खा सकते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा वार्म करना चाहते हैं पैन के ऊपर या तवे के ऊपर रख के थोड़ा सा वार्म भी कर सकते हैं, तो वैसे इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं, ये बहुत मज़े के लगेंगे।
रिस्पान को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था और अब मैंने अपने लिए एक एप्पल कट कर लिए है और साथ में आहत के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। एप्पल मैं डेली खाती हूँ, एक्सरसाइज करने के एक घंटे बाद मैं एप्पल लेती हूँ। एप्पल बहुत हेल्दी होता है और इसको मॉर्निंग में खाना चाहिए, इसके बेनिफिट ज़्यादा आपको मॉर्निंग में खाने से मिलते हैं। मुझे एप्पल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैंने इसको एक अपनी हैबिट बना ली कि सुबह उठ के मैंने एप्पल खाना है, ज़रूर खाना है, तो मैं खा लेती हूँ। बात है दो तीन चार इसको खाने की, तो जो हेल्दी न्यूट्रिशन है ना आफ्टर प्रेगनेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लेना। हम प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूसली हमें लेनी चाहिए, ताकि हमारी जो बोन्स है ना बहुत वीक होना शुरू हो जाती है, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो वो उसके लिए हमें हेल्दी न्यूट्रिशन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आहत के लिए बस मैंने हाफ फ्राइड एग बनाया था, साथ में मैंने उसके लिए ब्रेड वार्म की थी, उसका कुछ खास मूड नहीं था खाने का, तो मैंने बस उसको ये दे दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन क्लीन कर दिया था, किचन में ऑलमोस्ट मेरा क्लीन था, रात को मैं सारा क्लीन करके सोती हूँ, बस स्टोव के ऊपर ये थे थोड़े से ऑयल स्प्लैशेस थे, उसको मैंने बस अच्छे से सारा क्लीन कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा काउंटर टॉप क्लीन कर दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मुझसे पूछते हैं लोग, तो उनमें से ना एक था मेरी हेयर केयर रूटीन का, तो उस पर मुझे कहा था मैं वीडियो बनाऊं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पे इस पर भी काम कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर करूं। तो जो भी मैं अपने हेयर के लिए यूज़ करती हूँ मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। और खाने में मैं आज बना रही हूँ ब्लैक मसूर दाल, ये आज बनाऊंगी, क्योंकि आज जितना कुछ खास खाने का मूड नहीं है, चिकन मटन कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग कल अभी बाहर गए थे और बाहर हम लोगों ने गलती ना किया था, तो अभी इस मान का सिर्फ मूड था कि हम लोग आज दाल चावल कोई चीज़ खा लें, तो मैंने कहा ब्लैक मसूर दाल बना देती हूँ, एक बहुत जल्दी भी बन जाती है, इंस्टेंट पॉट में इसको बनाना होता है। मैं तो ज़्यादा क्योंकि ही इंस्टेंट पॉट यूज़ करती हूँ, अगर मैंने दालें चने वगैरह कोई इस तरह की चीज़ बनानी जो जल्दी कुक नहीं होती, उसके लिए इंस्टेंट पॉट यूज़ कर देती हूँ बस। और इसमें बस मैंने एक कप मसूर दाल डाली है, इसमें 5-6 गार्लिक क्लॉव्स डाल दिए थे, और इसके साथ रेड चिली ऐड की है, कनौर क्यूब ऐड कर दी थी, एक चिकन कनौर क्यूब, उसमें हल्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है घर में, पता नहीं मैं किस तरीके से उसको निकाल के डाल रही हूँ, तो अब लेके आऊँगी वो। और बस सॉल्ट की जगह मैंने चिकन क्यूब डाली थी, अभी सॉल्ट नहीं मैंने ऐड किया उसमें, और थोड़े से मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था, और इसमें ग्रीन चिलीज डाल दी हैं, इसको बस मैं कवर करके रख दूँ, ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसमें इतना टाइम ही नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं अपने लिए अब बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और अब 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है क्योंकि इस टाइम मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने अपने लिए अच्छी खासी ना फुल लोडेड जो वेजिटेबल ऑमलेट है ना वो बनाती हूँ। तो मैंने ग्रीन चिलीज ली थी, साथ में मैंने उसमें ऑनियन कट करके डाला है, और थोड़ी स्पिनिश ऐड की है, सिलांट्रो ऐड किया है, और टोमेटो ऐड किया है, और उसके साथ मैंने एक ऑर्गेनिक एग डाल दिया था, और एक जो वाइट एग है ना उसके सिर्फ वाइट ही मैं यूज़ करती हूँ, उसका जो यॉक है वो निकाल देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था, बस इसको मैंने फ्राई कर लेना है, देसी घी मैंने यूज़ किया है, और इसमें मैंने एग को फ्राई करना है स्क्रैम्बल एग की तरह, बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई पैन्स जो है मेरे काफ़ी ख़राब हो चुके हुए हैं, मैंने आके रखे हुए लेकिन मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, उनको मैं कह रही हूँ अभी थोड़े से ये यूज़ हो रहे हैं तो इनको मैं यूज़ करती हूँ, फिर मैं नहीं ओपन करूँगी। यहाँ पे एग रेडी हो गया है, और इसके साथ मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, मल्टीग्रेन लिया, उसमें काफ़ी प्रोटीन है, उसमें बहुत सारे ओमेगास हैं, तो वो मैं एक स्लाइस लेती हूँ, तो ये बहुत हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है मेरा, और ये मुझे फुल डे फिर मैं इसे फुल लेती हूँ। सेपरेट टी मैंने अपने साथ बना ली थी, और दूध थोड़ा सा बाहर गिर गया था, जब भी मैं चाय बनाती हूँ दूध जरूर गिरता है। खैर तो जो ये वेजिटेबल ऑमलेट है ना, इतना एक तो फुल लोडेड वेजिटेबल्स ऑमलेट होते हैं ना, इससे आप इतना फुल रहते हैं, आपको भूख नहीं लगती रात तक, तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। और ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और मुझे ये बात की है कि ना ब्रेकफास्ट मैं अपने डाइनिंग टेबल पर कर रही हूँ, डाइनिंग टेबल हमारा न्यू आ चुका हुआ है, लेकिन इसकी मैंने वीडियो नहीं अभी तक बनाई, तो थोड़ा सा घर को मैं और सेट कर लूँ, तो फिर मैं आपको डाइनिंग टेबल दिखाऊँगी।
खैर मैंने ब्रेकफास्ट किया था और बस चाय रह गई थी मेरी पीने वाली, और आहत अपनी चीज़ों खा के मेरे पास ले आया कि मैं उसको आर्ट का काम करवा दूँ। इस टाइम उसका बहुत मूड हो रहा था मैं उसको पेंटिंग्स करवाऊँ, और मैंने इसकी काफ़ी चीज़ें ना इस तरह की ला के रखी हुई हैं, क्राफ्टिंग की, पेंटिंग्स की, तो मैं उसको शाम के टाइम ज़रूर करवाती हूँ अब ये काम। पहले नहीं करवाती थी, इतना टाइम ही नहीं होता था, लेकिन अब मैं ज़रूर इसके लिए टाइम निकालती हूँ। और अगर मैंने डिनर नहीं बनाना या तो डिनर में अगर बनाना भी है तो उसमें अर्ली मॉर्निंग जल्दी जल्दी बना लेती हूँ ताकि मैं आहत को थोड़ा टाइम दे सकूँ। तो ये कुछ आहत ने अपनी पेंटिंग्स और स्टिकर्स बनाए हुए हैं, जिसमें ये इसने सी बनाया था, स्टैम्प्स थी, उसके अलावा स्टेंसलिंग है उसको, मुझे स्टेंसलिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद भी पेंटिंग्स करती रही हूँ एक टाइम पे, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता करने का, तो मैं आहत को करवाती हूँ। और इसके अलावा ये एक प्लांट बनाया हुआ है, और इसके साथ एक रूस्टर, मैंने उसको उसके ड्राइंग्स बना के देती हूँ, फिर वो उसके अंदर खुद कलर्स करता है। इससे उसको पेंसिल पकड़ना आती है, अब होल्ड करना आ रही है पेंसिल किस तरीके से उसने पकड़नी है। और ये फ्लावर्स भी इसने खुद बनाए हुए हैं, मैं इसको बस बना के ना बताती हूँ कि तुमने इस तरीके से लगाने करना है, तो वो कर लेता है फिर, तो वो बहुत इंजॉय करता है इस तरह के काम को। तो मैं उसको करवाती हूँ ना, तो अब उसको आदत होती जा रही है कि डेली उसने पेंटिंग ज़रूर करनी है। और आज की एक्टिविटी में मैंने उसको दी थी आइस, एक बैग है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आइस थी, तो उसको मैंने बोला था तुमने किस तरीके से उसको यूज़ करना है, उसको मैं बताती हूँ। तो अभी मैंने उसके लिए ना एप्पल एक बनाया था, उसकी ड्राइंग की थी, और इमोजी में जिसमें स्माइली हैप्पी एप्पल है, और साथ में एक ऑरेंज बना के दिया था, तो उसको इस तरह के इमोजेस बना के दिए थे, उसमें इसने आइज़ फिर लगाई थी, और वो इस तरह के आर्टवर्क को बहुत इन्जॉय करता है। कलर करके मैं उसको बता देती हूँ कि इस तरीके से इसने कलर करना है, तो वो जैसे जैसे मैं उसको बताती जाती हूँ वो लर्न करने की कोशिश करता है उसको। आहत को देख के मुझे अपना टाइम याद आता है, मैं जब छोटी थी तो मुझे भी इस तरह के आर्टवर्क्स का बहुत शौक हुआ करता था। मैं ट्रीज बनाया करती होती थी, खुद मेक करती होती थी सारी चीज़ें, और पेंट करना मैं मुझे बहुत शुरू से ही बहुत शौक था, इसलिए मेरा जो आगे ग्रेजुएशन थी वो भी आर्ट्स में थी। और स्टिल मेरा आर्ट्स का बहुत दिल करता है कि मैं टाइम निकालूँ, अपनी पेंटिंग्स को कंटिन्यू करूँ, अपना मिनिएचर्स बनाया करूँ, लेकिन बच्चों के साथ बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता। सोचती हूँ कभी ये थोड़े से बड़े होंगे तो शायद मैं अपने काम को आगे कंटिन्यू करूँगी। सो अपने ब्लॉग को मैं यही भी करूँगी एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग पे आपसे मुलाकात होगी, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।